दरभंगा के लिए बड़ी अपडेट है। जी हाँ, दरभंगा में 2 महीना से लापता लड़की को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक होटल से किया गिरफ्तार। जी हाँ, दरभंगा के मब्बी थाना का एक मामला तब प्रकाश में आया जब 2 महीने पूर्व लड़की के परिजन वालों ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया, फिर जहां अभियुक्त लड़के के पिता की गिरफ्तारी भी हुई और 2 महीने से उसका पिता गिरफ्तार था। दरभंगा में 2 महीने से लापता लड़की को किया गया गिरफ्तार, मामला मब्बी थाना का है। लड़की ने बताया कि मैं अपने मर्जी से उस लड़के के साथ भागी थी क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पिता के द्वारा मुझ पर गंदी नजर डाली जा रही थी और मेरी माँ के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। मैं उस लड़के से प्रेम करती हूँ, इसीलिए मैं उसके साथ भाग गई हूँ। उस लड़के का कोई भी हाथ नहीं है मुझे जो जबरदस्ती से भगाने में, और मैं बालिक हूँ, ये अपने मर्जी से भागी हूँ उसके साथ में। अपनी मर्जी से मैंने दिल्ली भागा, वहाँ जाकर करके शादी की और 2 महीने वहाँ रह करके, जिसके बाद जहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा बताया गया कि 2 महीने पूर्व अक्टूबर के महीने में लड़की के परिवार वालों के द्वारा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद अभियुक्त लड़के के पिता की गिरफ्तारी भी की गई थी और 2 महीने से उसका पिता गिरफ्तार है और लड़के के परिवार को बार बार कहा जा रहा था कि लड़की को हाजिर किया जाए लेकिन उसके द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई थी। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय के एक होटल से स्पाई टीम के द्वारा मब्बी थाना को सूचना दी गई कि, जिसके बाद मौके पर मब्बी थाना के SI पहुंचे और लड़की को अपने हिरासत में लेकर के महिला थाना आ गई और आगे की कार्रवाई हेतु भेज दिया गया। मेरा नाम माता पिता था, मेरे पापा गलत नजर डाल रहे थे, उससे बहुत परेशान हो गए थे, तो मेरे सुमन कुमार पसंद था, मैं उसको साथ चली गई अपना मर्जी से। सुमन कुमार यादव नहीं भगा कर ले गया, मैं खुद सुमन कुमार को भगा कर ले गया जबरदस्ती, सुमन कुमार राजी नहीं हो रहे थे, मैं उसी को लेकर भाग गए हैं मैं खुद। अच्छा, आप लेके भाग गए लड़के को? जी, लड़का नहीं भगा कर ले गया, मैं खुद उसको भगा कर ले गए हैं। मेरे मम्मी पापा मरता पीटता था, मेरे पापा गलत नजर डाल रहे थे, मेरे घर से बाहर निकाल देते थे, इसी का चक्कर में मेरे माँ खाना वाना नहीं देते थे खाने के लिए, इसलिए मेरे सुमन को पसंद था। किस लिए भागे थे, क्या नियत क्या था आपका भागने का? देखिए, मेरे पापा गलत नजर डाल रहे थे, ठीक है, मेरा अपना पापा नहीं है, सौतेला पापा है, ठीक है, मारता पीटता था, गलत नजर डाल रहे थे, नहीं बोला था क्या करने दो, तो हम बोले कि किसी को बोल देंगे, गलत नजर डाल रहे थे, तो हम बोले कि हम बहुत इससे परेशान हो गए थे, ठीक है, हम बोले कि आप करिएगा, गलत नजर डालिएगा तो हम किसी को बोल देंगे, बोला जान से मार देंगे तेरे को, धमकाया धमकाया हमको, मारता पीटता मम्मी, अब बोलबो करते मम्मी को तो मम्मी भी मारता था हमको, घर से बाहर निकाल देता था रात बिरात को, तो मेरा सुमन को पसंद था, हम चले गए उसको साथ। महिला थाना में लाया गया, क्या मामला था सर? इसको 17/10/21 को केस हुआ, लड़की अपहरण एवं शादी शुदा के यादव लड़का है और लड़की पासवान है, एक ही गाँव के अगल बगल से रहने वाला है। इसको बराबर माता पिता को लड़का को कहते थे कि तुम लड़की को हाजिर करो, हाजिर नहीं करता था, तो उसके पिताजी को जेल भेज दिए, 10 दिन बाद कांड के 10 दिन बाद जेल भेज दिए, जो अभी तक जेल में है, लड़की को हाजिर लड़का नहीं करता था, इसके लेकर कई जगह छापामारी किए, छापामारी के बाद बहुत गुप्त सूचना अनुसार लड़की आज कोर्ट में के लिए आई हुई थी कि क्या मालूम नहीं था, बाकी स्पाई हमको बोला सो होटल में है जल्दी आइए, स्पाई के द्वारा जो है सो मिठाई राजू मिठाई के दुकान में इसको स्पाई के द्वारा गुप्त चर के द्वारा पकड़ लिया। किस एक्ट में ये यही पुष्पो एक्ट का केस है, इसके ऊपर लड़की नाबालिग, हाँ लड़की नाबालिग है, लेकिन लड़की का लड़के भी कह रहे थे कि वो बालिग है, 2003 में उनका जन्म हुआ। नहीं नहीं, वो उसको मैट्रिक का प्रमाण पत्र है मेरे पास, हाँ कोई मैट्रिक पास है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र स्कूल के लिए सर्टिफिकेट है मेरे पास, इसके लेकर पुक्सो एक्ट लगा पास है ना, ना वो देखने पर फाइल बताए हैं, और अभी इसको महिला थाना में लिया है, रख दिए हैं, कल 164 का बयान कराएंगे, आगे की प्रक्रिया जो होगा। अभी सर सिर्फ लड़की मतलब पकड़ाई है कि लड़का भी? ना, लड़की ही सिर्फ पकड़ाई है, लड़का का रिकवरी नहीं हो पाया है, लड़का का फोटो था मिलान किए होटल में, तो वो लड़का उस टाइप का नहीं था। लड़की का आधार कार्ड देखे हैं क्या? लड़की का आधार